लोनावला पहुंच गए हैं। अभी हम लोग ओल्ड खंडाला रोड पे हैं, यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का पास होने के लिए। नाकाबंदी भी मिली, वो लोग चेक कर रहे हैं कि आप इधर उधर अननेसेसरी तो नहीं घूम रहे हैं। अगर आपके पास कोई रीजन है या फिर आपके पास होटल बुकिंग का रिसीप्ट है, जो भी है, आप उन्हें शो कर सकते हैं, तभी वो आपको अलाउ करते हैं। अरे रॉबिन फॉग देखो यार, सही में वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, हर तरफ फॉगिंग हो गए, बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा वेदर का मजा उठाने के लिए हम लोग बीच में वहीं पर हॉल्ट लिया है। हम लोग मचान पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बस 1 किलोमीटर रह गया है। थोड़ी पिक्चर क्लिक्स करने के लिए बीच में अभी हॉल्ट लिया था। ये मचान का एंट्रेंस है और सिक्योरिटी चेकिंग डिटेल्स चेक करने गया है। ये मचान तो एकदम ऐसा लग रहा है जंगल के बीच में बनाया है। हाँ पूरा जंगल है यार। और कैसा लग रहा है यार, इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं उड़ जाऊंगी छाती के साथ। जंगल मचान कितना जंगल के अंदर है। सीरियसली हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल होलिक रॉबिन। आज हम लोग आए हैं मचान में और हमने लिया है जंगल मचान, सो लेट्स हैव अ क्विक रूम टूर। लेट्स स्टार्ट विद द बालकनी। बालकनी में यहाँ पर बात कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ओपन शावर ले सकते हैं, वो भी इस मौसम में। ओपन शावर लेने का मजा ही अलग है। बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और यहाँ पे बालकनी में सिट आउट भी दिया गया है। ये है हमारा बेडरूम, यहाँ पर बेड दिया गया है, यहाँ पे सिटिंग चेयर एंड टेबल है, यहाँ पे वर्किंग टेबल एंड चेयर भी दिया गया है। यहाँ पे मिनी फ्रिज दिया गया है,
और इसमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब चार्जेबल बेसिस पे है। ये टी कॉफी मेकर है और यहाँ पे कुछ मूंग दाल, टेस्टी नट्स, ये सब दिया गया है, ये सब भी चार्जेबल बेसिस पे है। नाउ लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। और ये है हमारा वॉशरूम और आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला जो ट्री है ये इन्होंने काटा नहीं है, ये ऊपर रूफ से निकल रहा है। और हमें ये मिला है मचान की तरफ से, ये छोटा सा नेक पीस है, हैंडमेड है, बहुत ही प्रिटी है। कैसा लग रहा है रॉबिन? अच्छा लग रहा है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और जब से हम आए हैं तब से अभी तक लगातार बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो चलो चाय हो जाए। जल्दी अंधेरा भी हो गया मौसम हो रहा है ना, ऐसा डल हो गया थोड़ा। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हमारी चाय हो गई है, अभी बालकनी में बैठ के हम लोग मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं और आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी बर्ड्स की, मतलब अलग ही माहौल है इधर का। और आप इधर नीचे भी देख सकते हैं, पूरा जंगल ही जंगल है। 2 hours later. It's 8 PM, बाहर एकदम डल हो गया है और अब भूख भी लग रही है, तो चलो डिनर ऑर्डर करते हैं। रॉबिन देखो नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा है ना, पूरा अंधेरा हो गया है। हमारा डिनर आ गया है और डिनर में हमने मंगाई है कोल्ड कॉफी और पिज्जा। The next day. अभी 8 बज रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करके आ जाते हैं, बट बारिश इतनी ज्यादा हो रही है और ऊपर से फॉग भी काफी हो गया है, तो हम लोग शायद आज प्रॉपर्टी इतने एक्सप्लोर तो नहीं कर पाएंगे। और हाँ, यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज भी होती हैं, हम लोगों ने प्लान किया था कल करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हम वो एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाए। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में बर्ड वॉचिंग, स्टार गेजिंग, नेचर ट्रेल, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। हम लोगों ने नेचर ट्रेल सोचा था जिसमें वो लोग हमें अराउंड 2 किलोमीटर जंगल के अंदर लेकर जाते हैं और बहुत मज़ा आता, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं गए कल। फिर मचान वालों ने अपना हमें छाता भी दिया है। चलो
केयरफुल होकर चलना होगा क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं एकदम खाई है और बारिश में क्या थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। और वो देखो हमारा वाटरफॉल। और यहाँ पे प्रॉपर्टी में आपको आर्टिफिशियल लेक भी मिलेगी देखने को और उधर है साइकिल स्टैंड तो आप चाहे तो साइकिलिंग भी कर सकते हो। और ये है फायर प्लेस, रात को यहाँ पे बॉन फायर होती है। ब्रेकफास्ट हो गया है और बारिश फिर से चालू हो गई है तो देखते हैं थोड़ा घूम के तो आते हैं। और देखो हमें ये फूल मिला है, कितना बड़ा और सुंदर है ना रॉबिन? हाँ ये कितना बड़ा है ना। हाँ और वेट की वजह से बेंड भी हो गया है। चलो लेट्स गो। ये कार्ड का बहुत अच्छा प्लांटेशन है हर जगह। हाँ रुको मैप में देखने दो हम कहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे नर्सरी भी है तो वो देख के आते हैं। कितने क्यूट क्यूट सारे। हम अभी ये कैनोपी के पास है और एक C1 C2 दिख रहा है ना, तो कैनोपी आ गई है तो हम जाके बेंच देख के आते हैं। बेंच देख के चलो। सोलर पैनल के उस साइड में विंड मिल भी है वो रहा।
और यहाँ पे मचान में जो भी ये लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सोलर और विंड एनर्जी के थ्रू होता है। यहाँ पे लेक के पास में बेंच भी है बैठने के लिए, और यहाँ से हम लोग जाएंगे स्पा के लिए। ये रास्ता जाता है स्पा के लिए। जंगल के अंदर अलग ही एक वाइब है। हाँ, फाइनली हम लोग पहुंच गए स्पा, अरण्या स्पा। हम लोग रेडी हो गए और बस चेकआउट कर रहे हैं। बहुत मजा आया यहाँ पे। यहाँ का जो बेस्ट पार्ट है वो है ओपन शावर विथ बाथटब, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मचान्स हैं, जैसे कि जंगल मचान जो हमने लिया था, और भी हैं जैसे हेरिटेज मचान, स्टारलाइट मचान, फॉरेस्ट मचान, वुड कैबिन। तो आप उनमें से कोई भी मचान चूज कर सकते हैं। मचान का डिटेल्स उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और उनका जो भी प्राइस है वो आप देख सकते हैं। उसका हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर।